आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमएस एक्सेस डेटाबेस। एमएस एक्सेस डेटाबेस हम आपको आज कराने जा रहे हैं। एमएस एक्सेस डेटाबेस में हम बात करेंगे वीवीए प्रोग्रामिंग की, क्योंकि हमारी इस क्लास में हम आपके साथ टेबल डिस्कस कर चुके हैं, हम क्यूडी डिस्कस कर चुके हैं, हम फॉर्म डिस्कस कर चुके हैं, सिक्योर डिस्कस कर चुके हैं। ये सारा डिस्कस है, आपको समझ में आ गया? कोई डाउट इससे? रिपोर्ट्स कौन करेंगे? रिपोर्ट नॉर्मल चीज है, कोई खास नहीं है सर। ठीक है, ओके। ठीक है, हम बात करते हैं वीवीए प्रोग्रामिंग की। तो वीवीए प्रोग्रामिंग जो होता है वो हमेशा फॉर्म पे होता है। हम अलग से भी उसकी प्रोग्रामिंग हम करते हैं, लेकिन फॉर्म पे भी होता है। क्योंकि उससे पहले हमारे पास कुछ प्री रिकॉर्डेड मैक्रो भी है, तो चलिए पहले उसके चीज को जानते हैं। ठीक है, नहीं, प्री रिकॉर्डेड से पहले हम एक बार फॉर्म को समझते हैं। चलिए एक कैलकुलेटेड फॉर्म करते हैं। वीवीए आके यूज कैसे होगा, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम डिजाइन फॉर्म पे आते हैं, और यहां से मान लीजिए हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया क्वांटिटी, एक और देता हूँ, यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, मैंने दिया एमआरपी। और यहाँ पे हम अमाउंट, यहाँ पे हम अमाउंट को चाहते हैं। ठीक है सर, तो हमारे पास यहाँ क्वांटिटी है, एमआरपी है, और मुझे यहाँ पे अमाउंट चाहिए। तो अब इसकी कैलकुलेशन जो क्या होगा, आप सबसे पहले डिस्कस करना होता है, वो होता है आपका इवेंट। क्या आपका इवेंट क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखिए आपका कंट्रोल सोर्स आ रहा होगा। अगर आप अगर टेबल किसी टेबल पे जाते हैं, मान लीजिए मैं टेबल के ऊपर माइक्रो बनाता हूं, यहां पे हम देते हैं नेम, यहां पे देते हैं मान लीजिए नेम, रिजर्व वर्ड है नेम सीरियल, तो हाँ यहाँ पे आपका नंबर भी कर देता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी, और यहाँ पे हमारा हो जाता है एमआरपी, और यहाँ पे हमारा होता है अमाउंट, चेंज कर देते हैं ये हमारा। इसका तो शायद वीडियो था उसमें, इस वाले वीवीए का, इसको यहाँ से हम सेव कर टेबल वन के नाम से। अब मैं इस टेबल वन के ऊपर कोई फॉर्म बनाता हूँ, तो इसमें क्या होगा देखिए, एक सिंपल सी चीज देखिए। टेबल पे सिलेक्ट किया क्रिएट फॉर्म, तो इसमें कंट्रोल सोर्स दिख रहा है आपको, आईडी है इसका कंट्रोल सोर्स आपको दिख रहा है, न्यूमेरिक सी दिख रहा है ना, क्वांटिटी दिख रहा है, लेकिन इस क्योंकि ये किसी फील्ड के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं है, इसलिए कंट्रोल सोर्स इसमें कुछ नहीं। तो क्या अब इसे इसमें देखिए आपका हर एक नाम है, टेक्स्ट जीरो है नाम, और इसका नाम है टेक्स्ट टू। तो क्या मैं यहां पे लिख दूं टेक्स्ट टेक्स्ट जीरो मल्टीप्लाई बाय, हालांकि ऐसा होगा नहीं, मैं जिस बता रहा हूं इसको मैं सेव करूंगा, एरर दे रहा है ना सर? ठीक है, क्योंकि हम यहां पे कंट्रोल सोर्स में एक ऑब्जेक्ट मतलब एक लोकेशन देना होता है, ना कि कोई हम फॉर्मूला दे सकते।
लेकिन एक बार नहीं, कुछ फॉर्मूला भी नहीं दे सकते, नहीं कोई फॉर्मूला नहीं दे सकते, लेकिन हमें इस तरह की कैलकुलेशंस पे हमें दो चीजों की करना होगा। यहाँ पे कंट्रोल सोर्स में एक्स जीरो और इसमें करता हूं वैल मल्टीप्लाई बाय वैल और इसमें हम देते हैं टैक्स टू आ गया। ठीक है, तो इसमें एक चीज हुआ कि आपने इसमें अपने फंक्शंस लगाए, इससे पहले इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें इसमें टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट मल्टीप्लाई नहीं हो सकता इसलिए। तो इस पे हो सकता है, लेकिन इस इतनी कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि इस पे हम अपना फंक्शन लगाने के बजाय हम इस पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो आपकी प्रोग्रामिंग कब परफॉर्म करे ये आपको डिसाइड करना होता है। जैसे कि मुझे परफॉर्म करना है क्वांटिटी में चेंज होने के बाद, तो मुझे यहाँ इवेंट में ऑन क्लिक नहीं, यहाँ पे देना पड़ेगा ऑन एंटर, ऑन एंटर नहीं, आफ्टर अपडेट दे सकते हो, आफ्टर अपडेट भी दे सकते हो, लेकिन आफ्टर अपडेट होगा कि लिखने के बाद आप टाइप करके बाहर आएंगे तो कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। आफ्टर अपडेट पे भी आप दे सकते हैं लेकिन इसमें दिक्कत होगा, ऑन चेंज पे कर सकते हैं हम यहाँ पे। इसमें देखिए दो चीजें हैं, एक तो यहाँ पे इवेंट प्रोसीजर आता है, इस पे क्लिक करते हैं, दो चीजें हैं कि माइक्रो बिल्डर, एक्सप्रेस बिल्डर या फिर कोड बिल्डर, तीनों चीजें समझिए। माइक्रो बिल्डर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे प्री डिफाइंड माइक्रो आपको बताता है कि आखिर क्या करना है इसमें, आपको इतने सारे काम आपको दिखते हैं जो कि प्री डिकोडेड माइक्रोज है उसका यूज कर सकते हैं। दूसरा आपका इसमें आता है एक्सप्रेस बिल्डर, एक्सप्रेस बिल्डर में वही आपकी कैलकुलेशन आती है फॉर्मूला, और कोड बिल्डर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग का वीवी एडिटर का खुल के यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कोड कर, मैं यहाँ पे कोडिंग लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मी मतलब एक्टिव फॉर्म होता है, टैक्स जीरो डॉट वैल, टैक्स जीरो नहीं यहाँ पे टैक्स फोर होगा, हमने यहाँ पे इक्वल टू किया मी डॉट टैक्स जीरो डॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय मी डॉट टैक्स टू डॉट वैल्यू, ठीक है सर। तो ये जो टैक्स फोर है वो क्या है आपका, फॉर्म का जो एक फॉर्म है फॉर्म का नाम है, इसके नाम कुछ भी हो सकता है, तो मुझे इसमें स्टोर करना है इसकी कैलकुलेशन। इस तरह से आप अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कर सकते हो। मैं वापस फॉर्म पे आता हूं और सेम चीज पे भी करना है मुझे, तो मैं यहां से भी जाता हूं या फिर मैं इसमें ही टैक्स जीरो के जगह पे मैं टैक्स टू को सिलेक्ट कर लेता हूं। बिफोर अपडेट के जगह पे हम सिलेक्ट करते हैं चेंज का। तो ये क्या हो गया, लोकेशन होता है कि हमें लोकेशन और एक्शन होता है, इसमें मोस्टली इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग ही है, मोस्टली फॉर्म पे लिखते हैं, ठीक है। और इसको कॉपी करके यहां पे हम पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद इस फॉर्म को क्लोज करते हैं। अब इसमें पहले से कुछ नहीं दिख रहा है, यहां पे मैं अपनी वैल्यू डालूंगा,
रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कौन है? ठीक है सर, थोड़ा टाइम ले रहा है अपडेट होने में। अच्छा इसमें दिक्कत, इसमें एक और प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 दे दिया तो कोई अपडेट नहीं हो रहा है, मैं 4 को 6 करता हूँ तो अपडेट हो रहा है, क्योंकि हमने ऑन चेंज कर दिया, तो यहाँ पे इवेंट को भी समझना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ मुझे अपने इवेंट को थोड़ा सा चेंज करना होगा। कहाँ गया? क्लोज करता हूँ, और इस पे हमें इस पे आफ्टर अपडेट भी करना होगा। एक साथ कई सारे इस पे कर सकता हूं मैं, आफ्टर अपडेट रिपोर्ट बिल्डर, और यहां पे हमने क्लिक कर दिया। और ऐसे में यहां पे टेक्स्ट ले लिया हमने, और यहां पे चेंज के जगह पे आफ्टर अपडेट, तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको क्लोज करते हैं। अरे आयो फोन मैसेज मेरे देखा है। प्रिया जी कैसे हैं? हाँ बोलिए सर। ओ सॉरी सर, आपका फोन मेरा साइलेंट पे था और मैं भी क्लास में था सर, आपका देख नहीं पाया, जस्ट थोड़ा पहले ही देखा हूँ। कितने बजे चालू करेंगे सर? मैं फोन करता हूँ एक खत्म करके। ओके अभी डिस्कनेक्ट कर दूँ ना? ठीक है सर। ओके सर, डिस्कनेक्ट कर देता हूँ अभी मैं। ये हमारा दिख रहा है आ रहा आपको कि प्रोग्रामिंग कहाँ पे स्टार्ट लगाते हैं? समझ आ गया। वीवीए प्रोग्रामिंग, तो वीवीए प्रोग्रामिंग को सीखना है तो इसमें उससे पहले आपको सीखना होगा, क्योंकि इसमें हमने फंक्शन तो आपको बता ही दिया था कि फंक्शन आके कैसे यूज, एक्सप्रेस बिल्डर तो मैं समझा ही चुका हूँ ना सर। हाँ समझा दिया। इसमें माइक्रो बिल्डर बचता है कि माइक्रो बिल्डर का क्या रोल है। तो माइक्रो बिल्डर हम आपको पहले समझाएंगे, उसके बाद आपको इसमें चीजें मैक्रो दोनों साथ में लेके चलेंगे तो चलेगा सर। मैक्रो वाला तो उसमें मेरे को आता है, जो मैक्रो वाला कह रहे हो ना। हाँ समझाया है, इसमें और भी बहुत सारे चीजें हैं सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नेम कुछ डेटा दे देता हूँ, क्वांटिटी दे दिया, मार्केट दे दिया, अमाउंट ये दे दिया, मुझे एक फॉर्म बनाना है। तो बेसिकली अभी फॉर्म बनाते बाय डिफॉल्ट 1 इसमें रहता ही है ना सर। मुझे एक डिजाइन फॉर्म करना है जहां पे मैं 1 लिखूं, 100 पे क्लिक करूं, तब जाके मुझे रिकॉर्ड दिखे। तो वो जिसका नंबर मुझे पता है मैं उसी की रिकॉर्ड देख सकूं। वो एसक्यूएल से करोगे या वीवीए से? वीवीए से होगा सर। ठीक है ठीक है, क्योंकि एसक्यूएल से मैंने कर लिया है। जो कि इस पे आपका एसक्यूएल नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आईडी दे दिया कि मैं यहाँ पे आईडी डालू और मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड दिख जाए। और में सबसे पहले तो चाहिए नेम, चाहिए एमआरपी,
अच्छा ये यहाँ पे यहाँ पे क्वांटिटी कर रहे हैं, हाँ क्वांटिटी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब लाना है तो इसके लिए हम इस पे जाएंगे और आफ्टर अपडेट पे आएंगे। आफ्टर अपडेट पे आने के बाद कोड बिल्डर पे आते हैं। डॉट टेक्स्ट टू डॉट वैल्यू इक्वल टू डी लुकअप, जैसे वी लुकअप होता है ना, डी लुकअप। अब यहाँ पे आता है एक्सप्रेस एज ए, एक्सप्रेस एज ए स्ट्रिंग, मतलब कि आपको क्या लेना है, तो मुझे लेना है नेम, नेम सी। डोमेन क्या है, टेबल का नेम क्या है, टेबल का नेम है टेबल वन, टेबल वन। क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया है यहाँ पे आईडी इक्वल टू, साथ हमने कॉनकेटा नेट किया डॉट टेक्स जीरो डॉट वैल्यू। तो एक मिनट में इसको देखता हूं। मुझे लग रहा है कि कुछ गलत है इसमें, तो मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा आगे, जरूरी नहीं बैठता। तो डी लुकअप को समझिए, डी लुकअप का यूज करता है VLOOKUP, जस्ट VLOOKUP की तरह होता है। इसमें DLOOKUP बोलते हैं VLOOKUP को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें आपको देना पड़ेगा सबसे पहले कॉलम, कि किस कॉलम का डेटा आपको उठाना है। एक बार में एक कॉलम ही उठाएगा, फिर टेबल से उठाना है, और क्या कंडीशन मैच करना है, अगर कंडीशन है तो एंड या और यहाँ पे यूज किया जाए। समझ गए, समझ गया। इसी तरह से आगे आप टेक्स्ट टू हो गया, टेक्स्ट फोर, टेक्स्ट सिक्स, यहाँ पे टेक्स्ट फोर, टेक्स्ट सिक्स, और यहीं पे आपको नेम सी की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा आपका एम आर पी, ये हो जाएगा यहाँ क्वांटिटी हो जाएगा क्वांटिटी ऊपर एम आर पी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ले रहे सर, कोई डाउट इसमें नहीं, ठीक है। अब इसी तरह से अब मान लीजिए कि मुझे टेबल पीस पे एक चाहिए, डेटा चाहिए मुझे, लिस्ट बॉक्स में यूज करते हैं ना, ये आपका कॉम्बो बॉक्स है, ये आपका लिस्ट बॉक्स है, तो मुझे इस लिस्ट बॉक्स में डेटा चाहिए। तो मुझे तो ये आपका लिस्ट आता है, तो आप यहां से आई विल टाइप कर सकते हैं, और नेक्स्ट में अपना टेबल क्यूरी वगैरह ले सकते हैं ना, पर आपने क्यूरी ले लिया फिर आपका आईडी के साथ कनेक्टेड नहीं होता है, तो यहाँ पे हम अपनी डेटा को, ठीक है, तो कैसे लाएंगे ये हम आपको बताएंगे सर।
तो डी लुकअप की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डी लुकअप सही है। दूसरा चीज है कि हम इंसर्ट करते थे, तो इंसर्ट हम यहाँ पे वीवीए के जरिए एसक्यूएल क्वेरी भी चला सकते हैं, क्वेरी का भी ऑप्शन होता है। तो वीवीए का एक अच्छा खासा रोल है, अच्छा खासा मेथड है सर। ठीक है।